पिशावर की मशहूर लस्सी जिसे तैयार किया जाता है दही, दूध, खोए और बादाम से। गर्मी आते ही लस्सी की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट करें आजम रहमान। वैसे तो गर्मी में लस्सी पीना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन पिशावर के शुबा बाजार में ऐसी लस्सी तैयार की जाती है जिसे जो भी एक बार पी ले फिर हर बार पीना चाहता है। जी हाँ, ये सादा लस्सी नहीं बल्कि इसमें शामिल है दही, दूध, मक्खन, देसी घी, चार मगज और पनीर, जिससे लस्सी के जायके को चार चांद लग जाते हैं। इसमें मतलब है दही डालते हैं, दूध डालते हैं, फिर पनीर डालते हैं, फिर मतलब मलाई डालते हैं, उसमें कोआ डालते हैं, यह सब बादाम बादाम मिलकर इसको लोग देते हैं। बहुत पैदानाक चीज़ है। लस्सी पीने न सिर्फ पिशावर बल्कि आस पास के अजला से भी लोग आते हैं। शहरियों का कहना है कि लस्सी इतनी लजीज और गजायत से भरपूर होती है कि इसके बाद खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बादाम बादाम सब कुछ डाल के पीता हूँ ना, बस बहुत ठंडा महसूस करता हूँ और बिल्कुल खाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तकरीबन चार पाँच घंटे तक बिल्कुल फिट रहता हूँ, गर्मी का महसूस नहीं होता। इसमें मक्खन भी होता है, पनीर भी होता है, कुआ भी होता है और बादाम और पिस्ता भी इसमें डालता है, तो मैं हफ्ते में कम अज कम 3 बार इसके लिए आता हूँ। शहरियों के मुताबिक पिशावरी लस्सी के जायके को लाहौर ना ही कराची की लस्सी मात दे सकती है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ आजम रहमान, आज न्यूज़ पिशावर।